उसमें मेरे दिमाग में दो सवाल है। पहला सवाल तो आपने पश्चिम बंगाल की बात उठाई, पश्चिम बंगाल में मुझे समझ ही नहीं आता है, पिछले 10 या 15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ वहां पे संदेश खाली नहीं, बहुत ही बुरी हाल है। अगर आप पश्चिम बंगाल में जाओगे तो कोई भी व्यापारी बिजनेसमैन वहां जाके इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वहां की सरकार जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो कम्युनिस्ट टाइप की पॉलिसीज है उनकी। तो इतना बुरा हाल होने के बावजूद भी, और हिंदू वहां पे बहुत जगह पे पलायन भी कर रहा है, वहां से रोहिंग्या मुसलमान भी बहुत बहुत ही तेजी से एंट्री मार रहा है पश्चिम बंगाल में, बंगाल से, उसके बावजूद भी वहां पर टीएमसी की सत्ता कायम कैसे है? उसके पीछे रीजन है, वही रीजन सियालकोट वाला एग्जांपल, सियालकोट वाला आज भी जो है जम्मू पश्चिम बंगाल में जो है वो 70% 65% हिंदू है आज भी। आज भी वर्तमान समय के जनगणना के अनुसार 65% हिंदू है, और वहां पे 30% से लेके 32% 35% के आसपास जो है मुसलमान है। आज भी जो है हिंदू जो है मुसलमानों से डबल है, लेकिन मुस्लिम लोगों का एक साथ वोट जाता है वो भाजपा के खिलाफ जाता है, और भाजपा को जो रोकने का प्रयास करता है उसको चला जाता है, और साथ ही साथ कुछ हिंदुओं का भी वोट चला जाता है। जब हिंदुओं का वोट चला जाता है, चुनाव खत्म होता है, तो उनके घरों में आग लगाया जाता है, उनके घर में उनकी बहन बेटियों को जो है उठा के लेके जाया जाता है, संदेश खाली जैसा घटना घटता है, और संदेश खाली जैसा घटना को जो है बंगाल के लोग जो है अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ऐसा होगा ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं किए होते तो रिप्लाई करते, और रिप्लाई करते तो आज ममता जैसी, मतलब कि अब महिला का तो अपमान नहीं करना चाहिए, वो तो देवी के रूप में हम लोग तो महिला को पूजते हैं, लेकिन उनके जैसा अब दानव तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी जैसी महिला जिनके आंखों के सामने जो है अनेकों बंगाल की महिलाओं का रेप होता है और उस पर वो चुप रहती है, उनकी सरकार बन जाती है।